बाड़मेर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में बढ़ता अतिक्रमण स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। रीको इलाके में स्टोन व्यापारी और कबाड़ व्यापारियों ने अपने कारखानों के बाहर पत्थर और कबाड़ रखकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यहां की सड़कें दिनों दिन संकरी होती जा रही हैं। वहीं स्टोन की फिनिशिंग के दौरान उड़ने वाली डस्ट भी यहाँ के लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। बाड़मेर शहर के रीको इंडस्ट्रीज एरिया में लगातार बढ़ रहा अतिक्रमण स्थानीय लोगों और यहाँ के आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। यहाँ स्टोन के व्यवसायियों ने जहाँ अपनी फैक्ट्रियों के आगे बड़े बड़े पत्थर रखकर अतिक्रमण कर रखा है, वहीं पत्थरों की फिनिशिंग के दौरान उड़ने वाली डस्ट भी यहाँ के लोगों के लिए एक भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कबाड़ व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने कबाड़ वाहन समेत कबाड़ी में आने वाला सामान सड़कों पर फैला रखा है, जिससे रीको इंडस्ट्रीज एरिया की चौड़ी सड़कें अब दिनों दिन संकरी होती जा रही है। इसके साथ ही भारी और लोडिंग वाहनों के गुजरने से यहां की सड़कें पूर्ण रूप से जर्जर हो गई है और स्टोन फैक्ट्रियों की डस्ट से यहां के लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो स्टोन और कबाड़ व्यापारियों ने अपने कारखानों के काफ़ी बाहर तक अतिक्रमण कर रखा है। वहीं स्टोन कारखानों से निकलने वाली डस्ट से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। उड़ती डस्ट से यहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस समस्या से प्रशासन के आला अधिकारी को कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनने वाला। मतलब रीको एरिया की सारी सड़कें टूटी हुई है, फैक्ट्रियों के आगे जो कबाड़ है वो आगे रख देते हैं, पत्थर है वो, यहाँ से धूल उड़ती है जो हमारे मतलब सांस लेने में तकलीफ भी होती है। हमेशा ये सड़कें टूटी हुई है, जिला प्रशासन को एक दो बार अवगत भी करवाया, लेकिन तो ये डस्ट कहाँ ये डालते हैं, कोई कहीं बाहर ले जाकर नहीं रखते, कहीं फैक्ट्रियों के आगे ही डाल देते हैं यहाँ पर, जिससे हमारे को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ये बाहर में का निवासी है, यहाँ जो कल कारखाने जो डस्ट उठती है, जिसकी वजह से यहाँ निवासी स्थल है वहाँ पर बहुत समस्या, यहाँ समस्या होती है, जैसे रोग फैलते हैं इसकी वजह से डस्ट उठती है, और यहाँ बड़े वाहन निकलती है जिसकी वजह से डस्ट वगैरह धूल चमकी उठती है। सड़कों का क्या हाल? और सड़कें बहुत टूटी फूटी है, और हमने प्रशासन को बहुत बार अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि रीको क्षेत्र में स्टोन कारखानों, ईंट की फैक्ट्रियों से निकलने वाली डस्ट को फैक्ट्रियों के आसपास ही इकट्ठा किया जा रहा है। हवा के रुख के साथ उड़ती डस्ट यहां के लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। इसके साथ ही इस इलाके में स्थापित व्यापारियों ने अपने कारखानों के काफ़ी बाहर तक अतिक्रमण कर रखा है, इससे यहाँ की सड़कें संकरी होती जा रही है, जिससे यहाँ गुजरने वाले वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है।